हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आई बोट दिस 5 कॉन्टे पेरिस 3B कार्बन पेंसिल्स, जो कि माई वन ऑफ माई फेवरेट पेंसिल्स हैं डार्क एरियाज़ के लिए। मतलब चारकोल से भी ज़्यादा पसंद है मेरे को ये। और मेरे पास एक थी पहले, आपने मेरी वीडियोज़ में देखा भी होगा, मैंने यूज़ भी किया है काफ़ी टाइम, तो ये इतनी सी हो गया। तो मेरे को चाहिए थी, मैंने 5 ऑर्डर किया और मेरे को 130 रुपीज़ की एक पेंसिल मिली। तो इस वीडियो में यूज़ करेंगे, दिखाऊंगा मैं आपको किस टाइप की पेंसिल्स हैं और क्या इनमें ऐसा खास बात जो कि मेरे को पसंद है, और कहाँ कहाँ मैं इनको यूज़ करता हूँ, किस तरह से यूज़ करता हूँ, वो मैं आपको सब इस वीडियो में बताऊँगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो लेट्स सी। यह है कॉन्टे पेरिस 3B कार्बन पेंसिल, जो कि मेरे पास पहले एक थी। तो ये इस तरह शार्प करनी पड़ती है, क्योंकि ये नॉर्मल पेंसिल की तरह नहीं होती है, ये उससे काफ़ी मोटी होती है, तो इसको इस तरह शार्प करना पड़ता है। तो मैं ये नाइफ़ का यूज़ करता हूँ इसका, तो इससे कुछ इस तरह शार्प करना पड़ता है। नॉर्मल शार्पनर से हम इसको शार्प नहीं कर सकते हैं, इसके अलग शार्पनर आते हैं मोटे होल वाले, वो मेरे पास पड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास डर्वेंट का शार्पनर है, जिसके अंदर 2 होल हैं, एक नॉर्मल के लिए और एक इस तरह की पेंसिल के लिए। बट फिर भी मैं इसको इससे शार्प नहीं करता हूँ, क्योंकि ये जो कार्बन होता है इसका, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो टूटने के चांसेस रहते हैं, इसलिए मैं नाइफ़ से ही शार्प कर लेता हूँ। तो गाइस, चलो अब इसको यूज़ करते हैं। तो मैं ये वाली यूज़ कर रहा हूँ, इसको पेंसिल एक्सटेंडर में लगा के। इसमें हमको बिना प्रेशर का अप्लाई करे ही काफ़ी डार्क वैल्यूज़ मिल जाती हैं, चारकोल की तरह ही है, बट जब इसको ब्लेंड करते हैं वो एकदम से डार्क हो जाता है ये, इसीलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगती है और बिल्कुल भी डस्ट नहीं होता जैसे कि आप देख सकते हैं। बट चारकोल में थोड़ा रफ इफेक्ट देखने को मिलता है जब तक प्रेशर का अप्लाई ना करो। तो ये मैं कैमलिन की यूज़ किया यहाँ पे, और ये है जनरल की, तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट होता है, ये स्किन टेक्सचर के लिए भी काफ़ी बढ़िया होती है, बट इसमें वो डार्क वैल्यूज़ नहीं मिलते। इसमें हमको एक दो लेयरिंग करनी पड़ेगी तब डार्क होएगा, बट कॉन्टे में आपको थोड़ा सा ही शेड करना है, वो काफ़ी डार्क हो जाता है। सो राइट नाउ आई एम ड्राइंग हेयर, तो हेयर में ही सबसे ज़्यादा मैं इसको यूज़ करता हूँ। हेयर के लिए मैंने इनको बाय किया है, क्योंकि जो हेयर के एक्सट्रीमली डार्क एरियाज होते हैं, हम उनको काफ़ी जल्दी से ऑप्ट कर सकते हैं इस पेंसिल से, और ग्रेफाइट के साथ में भी मिक्स हो जाती है, ये भी काफ़ी बढ़िया बात है इसकी। तो अभी मैं फर्स्ट लेयर ऑप्ट करता हूँ इससे, इससे भी हम लेयर बाय लेयर काम कर सकते हैं, बट इसमें बिल्कुल भी हमको डस्ट देखने को नहीं मिलता। अगर हम चारकोल यूज़ करते हैं तो काफ़ी डस्ट होता है, तो हमारी शेड ख़राब हो जाती है, और आसपास के एरिया जब हम उसको उड़ाते हैं फूंक से तब ख़राब हो जाता है, तो वो इसमें नहीं होता, वो चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगती है, और ऊपर से डार्क वैल्यूज भी हो जाती हैं। तो अब इसको ब्लेंड करते हैं, तो काफ़ी स्मूथली ब्लेंड होगा, बिल्कुल भी ज़्यादा डस्ट नहीं होगा, और इसके लिए पेपर बेस्ट रहता है, कोई रफ टाइप का पेपर हो, कोई टेक्सचर वाला पेपर हो, तो उसके ऊपर और भी ज़्यादा स्मूथली ब्लेंड होता है। तो अब देखो गाइस, काफ़ी अच्छे से डार्क हो गया है, और मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं किया है, काफ़ी लाइटली ही शेड किया था, और काफ़ी कम टाइम में। अब मैं आपको डिटेलिंग दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छे से इसके ऊपर से आप डिटेलिंग कर सकते हैं टॉम्बो 00 का यूज़ करके, काफ़ी अच्छे से देखो बिल्कुल फाइन लाइन ऑप्ट हो रही है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं किया हमने, तो ये पेपर के ऊपर अच्छे से ऑप्ट नहीं हुआ है, तो अच्छे से इरेज हो जाता है। तो इस तरह से आप हेयर के हाईलाइट्स ड्रॉ कर सकते हैं फोटोग्राफ में से ऑब्जर्व करके। ये काम आप ग्रेफाइट से भी कर सकते हैं, इतना बारीक काम, बट ग्रेफाइट में आपको डबल टाइम लगेगा, क्या डबल से भी ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि इतने डार्क रिजल्ट्स आपको लाइट टू डार्क करना पड़ेगा 2B, 4B, 6B, 8B, 10B पेंसिल्स का यूज़ करके, तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, बट इसमें हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, इसमें ओनली मेरे को हार्डली आधा घंटा लगा हुआ। सो ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा यूज़ करना अच्छा लगता है, चारकोल या फिर ग्रेफाइट। ये भी चारकोल ही है, बट इसमें ज़्यादा डस्ट नहीं है, और ये ओनली डार्क एरियाज़ के लिए ही है, इससे आप स्किन टेक्सचर ज़्यादा ड्रॉ नहीं कर सकते। डार्क स्किन में तो यूज़ कर सकते हैं, बट एकदम अगर स्मूथ है, लाइट स्किन है, तो आपको चारकोल का यूज़ करना पड़ेगा, चारकोल में जो डस्ट प्रोड्यूस होता है उससे आप स्मूथ टेक्सचर ड्रॉ कर सकते हैं, बट अदरवाइज डार्क के लिए आप इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बाहर की तरफ जो निकले हुए हेयर हैं उनको मैं ग्रेफाइट से ही ड्रॉ कर रहा हूँ, 4B की लेड है इसके अंदर मैकेनिकल पेंसिल में, तो देख लो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप हेयर ड्रॉ कर रहे हो, जो बाहर की तरफ हेयर निकले हुए हैं ना, अगर आप उनको ड्रॉ कर दोगे तो और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लुक आता है। तो देखो, बीच में मैंने यहाँ पे दोबारा कार्बन पेंसिल का यूज़ किया, फिर ब्लेंड कर दिया, उससे और भी ज़्यादा डार्क हो गया,
तो आप ग्रेफाइट के साथ में काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं इस पेंसिल को। बट काम स्लोली ही करना है, हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाने हैं, जैसे यूजली मैंने बता रखा है आपको, काम स्लोली ही करना है। ऐसा नहीं है कि ओनली पेंसिल ले लोगे तो आपसे अच्छा ड्रॉ हो जाएगा। जैसे कि मैंने गुच्छे बनाए हैं हेयर के, हाईलाइट्स देखे हैं कहाँ पे हैं, एक एक हेयर कहाँ पे किस तरह से है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे, तभी हेयर ड्रॉ होंगे। तो गाइस ये हमारी हेयर ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है कार्बन पेंसिल का यूज़ करके, कार्बन और ग्रेफाइट दोनों का यूज़ किया है मैंने। बाय द वे डिटेलिंग तो फिर कितनी कर लो, एक एक हाईलाइट देख लो, फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करो अच्छे से, एक एक हाईलाइट देख लो तो और हाइपर रियलिस्टिक ड्रॉ हो जाएगा। तो मैंने इसमें कार्बन 3B का यूज़ किया है, कॉन्टे पेरिस की। जो ये डॉग वाली ड्राइंग मैंने बनाई थी इसमें मैंने कॉन्टे पेरिस की ही 3B पेंसिल का यूज़ किया था कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, और जो ये फर हैं ये काफ़ी अच्छे से हाईलाइट्स हुए हैं टॉम्बोजी वजह से। तो इस तरह के अगर आपको डार्क रिजल्ट चाहिए, डार्क कुछ ड्रॉ करना है, तो आप इस पेंसिल से काफ़ी अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, और ब्लेंड भी काफ़ी स्मूथली होती है। सो गाइस जैसे कि आपने देखा काफ़ी ज़्यादा डार्क है और काफ़ी अच्छे से ब्लेंड होती है, और हमको ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं करना पड़ता, हल्के से आप शेड करके तो वो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाती है, और बिल्कुल भी ज़्यादा डस्ट नहीं होता चारकोल की तरह, और चारकोल से ज़्यादा डार्क वैल्यूज आप ऑप्ट कर सकते हैं इससे। इसीलिए ये पेंसिल मेरी फेवरेट है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यूजली सबसे ज़्यादा मैं इनको यूज़ करता हूँ हेयर में, जैसे कि मैंने आपको हेयर ड्रॉ करके दिखाया, उनमें काफ़ी फाइन फाइन डिटेलिंग आप कर सकते हैं। तो अगर आपको बाय करनी है पेंसिल्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, और बिगिनर्स के लिए नहीं है, प्रोफेशनल आर्टिस्ट के लिए ये पेंसिल्स। अगर आपको कमीशन वर्क करते हैं, आपको जल्दी जल्दी हेयर ड्रॉ करने, डार्क वैल्यूज ऑप्ट करनी है, लार्ज एरियाज यूज़ करने हैं, लार्ज एरियाज में तो आप ग्रेफाइट से नहीं कर पाओगे ना, तो आपको चारकोल स्टिक्स या फिर इस तरह की पेंसिल्स यूज़ करनी पड़ती हैं। अदरवाइज़ अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए नहीं है, तो आप सिंपल कैमलिन की यूज़ करो, कोई चारकोल पेंसिल यूज़ करो, उससे भी आप ऐसे रिजल्ट्स ऑप्ट कर सकते हैं। मेन तो ऐसे स्किल्स ही हैं, टेक्निक्स ही हैं जो कि आपको आनी चाहिए, बट एक लेवल के बाद आपको इस तरह की पेंसिल्स यूज़ करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए उसमें मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी ही। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो मेरे आने वाली वीडियोज हैं उनकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।